जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास मंगलवार सुबह भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर रणजीत सागर डैम की झील में क्रैश हो गया। बता दें कि घटना के बाद राहत बचाव का कार्य जारी है। वहीं टीमें झील के पास पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त सुबह करीब 10:20 पर भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर 254 आर्मी एवियन स्क्वाड्रॉन ने मैमून कैंट से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर डैम इलाके के पास कम ऊंचाई का राउंड ले रहा था, जिसके बाद वह डैम में क्रैश हो गया। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम की तैनाती कर दी गई है और रेस्क्यू मिशन जारी है। कठुआ जिले के एसएसपी आरसी कोतवाल के मुताबिक डाइवर्स की ओर से अब झील में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे, पूरी तरह क्या नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।